स्टूडेंट एसवीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो पठन कौशल चल रहा है, पठन कौशल में हमारी आज प्रकरण है कविता शिक्षण, यानी कविता जो एक हमारे पद्य भाग के अंतर्गत आती है। जो कहानी और जो उपन्यास थे, मिथक थे, वो क्या थे? हमारे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन सा भाग आ जाएगा? पद्य जो हमारा काव्य का भाग है आ जाएगा। अब देखते हैं हम कविता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कविता ये है कि सामान्य रूप से हिंदी साहित्य में काव्य, पद्य और कविता क्या है, प्राय पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब कविता शिक्षण क्या है, कविता के किन रूप में प्रयोग किया जाता है? पद्य, काव्य और कविता, तो ये क्या हो गए? तीनों पर्यायवाची। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग अर्थों में अलग अलग अर्थ निकलता है। ये पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से तो हम काव्य, जो हमारा काव्य भाग है या कविता का जो भाग है, पद्य भाग, उसके अंतर्गत हम ये तीनों शब्दों को काम में ले सकते हैं। लेकिन इसके आगे देखते हैं कि परंतु इनमें थोड़ा सा अंतर है। वो थोड़ा सा अंतर कौन सा है कि काव्य शब्द कौन सा है? संस्कृत भाषा का शब्द है। काव्य संस्कृत भाषा का शब्द है। काव्य क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इसका अर्थ व्यापक रूप में लिया जाता है। अब काव्य हो गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसमें जो पाठ का विस्तार आएगा वो क्या आएगा? विस्तृत रूप में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विस्तार रूप में। और पद्य में क्या आ जाएंगे हमारे? जो एक कविता होती है, जो एक काव्य, जो एक कविता हम निर्धारित करते हैं, उनके जो छोटे छोटे भागों में, उनके जो छोटे छोटे जो खंड किए जाते हैं, वो हमारे आ जाएंगे पद्य भाग के अंतर्गत। परंतु व्यापक रूप में इसका अर्थ साहित्य से है। तो साहित्य से है तो इसका अर्थ हम क्या करेंगे? इसको दो, काव्य के दो रूप है। अब इसको साहित्य के लिए विस्तार रूप में क्या किया गया है कि साहित्य का रूप है। तो काव्य को कितने, कविता को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में विभाजित किया है। काव्य को दो भागों में या दो खंडों में विभाजित किया है। इसके दो रूप है, गद्य काव्य और पद्य काव्य। पहला कौन सा है हमारा? गद्य। दूसरा है पद्य काव्य। अब गद्य के अंतर्गत तो जो हमारी अनेक प्रकार की कविताएं होती है, जो क्या होती है, जो अनेक कवि होते हैं, जो अपनी आत्मकथा के रूप में अपना जो परिचय वगैरह, तो वो एक क्या होते हैं? कहानी के माध्यम से, लेकिन उसका रूप क्या है? कविता का। उसका कविता के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? उनकी आत्मकथा होती है, जो कवि होते हैं उनकी जीवनी होती है। लेकिन पद्य काव्य में क्या होते हैं? उनमें विभिन्न प्रकार के श्लोक, अनेक काव्य भाग, ये सारे उसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब पद्य से कविता इसलिए भिन्न, पद्य और कविता में क्या क्या भिन्नता है कि इसमें कविता छंदोबद्ध भी हो सकती है और छंद रहित भी हो सकती है। अब हमारा जो कविता का टॉपिक है, जो हमारा काव्य भाग है, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी काव्य में छंद पाए जाते हैं। हाँ, कुछ जो हमारे जो कविता के कुछ ऐसे दोहे आते हैं, कुछ ऐसे श्लोक आते हैं, उनमें हमारे छंद मिलते हैं। हम जैसे उसमें विशेष स्पष्टीकरण में नीचे देखते हैं कि छंद, छंद में क्या होता है हमारे, हमारे जो सात, छः सात प्रकार के जो इसका सूत्र है, या मता राज भान सलगा, वो लगाकर हम उस कविता को क्या करें, देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा छंद है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उन्हीं के आधार पर कविता का निर्माण हो। तो कुछ कविताएं क्या होती हैं? छंदबद्ध। कुछ कविताएं छंदबद्ध होती है, लेकिन कुछ क्या होती है? छंद रहित। कोई जरूरी नहीं कि हर काव्य में ही छंद का प्रयोग हो। तो इसलिए पद्य रचना को कविता कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक कविता को पद्य कहा जाए ये संभव नहीं है। किस कविता में? तो सभी में छंदबद्ध होती है, लेकिन कुछ क्या होती है? तो पद्य काव्य को हम क्या कह सकते हैं? कविता। जो हमारा पद्य भाग है उसको हम कविता का नाम दे सकते हैं, लेकिन सारी जो कविता है उनको हम क्या कर सकते हैं? पद्य का नाम नहीं दे सकते। अब इसके आगे है कि कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, कुछ का क्या किया है, काव्य साहित्य को एक कविता के रूप में उसको बांधने का प्रयास किया है। तो कुछ पाश्चात्य विचारक है, कुछ हमारे भारतीय विद्वान है, कुछ अनेक प्रकार के जो हमारे हिंदी साहित्य के जो विचारक है, तो उन्होंने क्या किया है, अलग अलग रूपों में इसकी परिभाषा दी है। अब जॉनसन ने क्या कहा है काव्य साहित्य के बारे में? जॉनसन ने इसको क्या बताया गया है? छंदोबद्ध रचना। परिभाषा जॉनसन के अनुसार जॉन
थॉमसन के अनुसार काव्य की परिभाषा कि कविता छंदों में रचना है। कविता की रचना किससे हुई है? छंदों से। कविता इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि कविता क्या है। कविता में तो क्या होते हैं, कोई जरूरी नहीं वो छंदबद्ध ही हो। कुछ कविताएं क्या होती है, लेकिन पद्य में क्या होते हैं, छंद रहते हैं, लेकिन कविता में ये कोई जरूरी नहीं कि उसमें छंद पाए जाए। तो कविता क्या है? छंदों में रचना है। अब एक है जो कालाइल, कालाइल ने क्या कहा है, इसका संगीत में विचार। हम कविता शिक्षण करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लय यति गति भाव आदि के बारे में। तो कालाइल के अनुसार कविता क्या है? संगीत में विचार। कविता संगीत में विचार, इसमें क्या करते हैं, उनके संगीतों की धुन को ध्यान में रखते हुए कविता के क्या करते हैं, गुणगुन करते हैं। अब कुछ जो भारतीय विद्वान है, ये थे हमारे पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारक, इन्होंने तो इसको जो अपनी जो एक काव्य की भाषा होती है छंदबद्ध, संगीत, लय, यति, इनको ध्यान में रखते हुए इनको परिभाषित किया है। अब देखते हैं भारतीय विद्वान। मम्मट के अनुसार, जो हमारा जो एक आचार्य है जो संस्कृत कवि है, उसके अनुसार हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि तो दोष रहित और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ को क्या कहते हैं? दोष रहित और अलंकार रहित काव्य को कविता कहते हैं। मम्मट ने क्या कहा है कि दोष रहित, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो, जिस पद्य भाग में किसी प्रकार का दोष नहीं हो, अलंकार रहित, तो उसे हम क्या कहेंगे, कविता का नाम देंगे। अब बामाया ने क्या कहा है कि शब्दार्थ सहितो काव्यम, उन्होंने संस्कृत में अपनी एक भाषा दी है शब्दार रहितो काव्यम, जो शब्दों से, शब्द और अर्थ से रहित। इसका अर्थ है कि शब्दार्थ सहित रचना का नाम क्या है? शब्दों से सहित अर्थ क्या है? काव्य रचना है। ये हमारा जो भारतीय विद्वान मम्मट है उसने ये दी है। और जो भामय जो हमारा जो संस्कृत का एक जो कवि है, उसने क्या परिभाषा दी है कविता की? शब्दार्थों सहितों काव्य, जो शब्दों से सहित जो अर्थ है, शब्दों से जो अर्थ मिला हुआ है, उसे क्या कहेंगे हम? कविता का रूप देंगे। अब अगली है हमारी, जो हमारे जो हिंदी के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, जो हमारे हिंदी भाषा के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक एक अनुभूति है। अब इसमें क्या है कि काव्य आत्मा की क्या है? संकल्पनात्मक, यानी एक कलात्मक अनुभूति है। काव्य एक आत्मा की, काव्य आत्मा की एक संकल्पनात्मक भूमिका है। तो अब आगे देखते हैं कि प्रेमचंद ने कविता का किस प्रकार भाषा दिया। प्रेमचंद ने कविता को क्या बताया गया है? काव्य की आलोचना। प्रेमचंद के अनुसार कविता काव्य की आलोचना है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने जो कविता है हमारे जो, उसको क्या बताया गया? छंदबद्ध रहते हुए क्या बताया गया है? कुछ कविताएं क्या होती है? छंद रहित भी होती है। तो जॉनसन ने इसको क्या बताया? छंदों में रचना, ये छंदबद्ध रचना है। लेकिन कालाइल ने क्या कहा है? इसका अपने लय यति गति का ध्यान में रखते हुए संगीत में विचारों की संज्ञा दी है। अब मम्मट ने क्या कहा है कि दोष रहित और अलंकार रहित, जिसमें ना तो कोई इसी प्रकार का दोष हो, जो हमारे विभिन्न प्रकार के दोष अक्रमत्व, सुक्रमत्व, निष्क्रमत्व, ये इन प्रकार के दोषों से, या अलंकार हैं जो हमारे यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों से रहित काव्य को कविता कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है कि काव्य आत्मा की क्या है? संकल्पनात्मक अनुभूति, यानी हम काव्य को क्या कर रहे हैं, हमारी आत्मा के अंदर एक कल्पनात्मक चित्र कह रहे हैं, उसके माध्यम से इसे बताया गया। अब प्रेमचंद ने कविता को क्या बताया है? काव्य की आलोचना।
प्रेमचंद के अनुसार कविता एक काव्य की आलोचना है। इस प्रकार हम कविता की एक परिभाषा, इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट रचना देखते हैं। इस प्रकार कविता वह रचना है जिसमें यति, गति, लय, मात्रा आदि का बंधन है तथा यह किसमें बंधी है? संगीतात्मक स्वर में। इस प्रकार कविता में लय, यति, गति, मात्रा आदि में बंधी हुई क्या है? एक रचना आदि का बंधन है, तो इसमें कौन सा स्वर आ जाएगा? संगीतात्मक स्वर। मात्रा आदि का बंधन है तो ये क्या है? एक, यह एक संगीतात्मक स्वर है, स्वर की रचना है। अगर लय, यति, गति, मात्रा आदि आएंगे तो उसमें कौन सी धुन आएगी? संगीतात्मकता की धुन। तो मनोरंजन क्या हो गया? इसका गुण यह है, क्या है? एक छंदोबद्ध रचना। अब यह क्या हो गई? एक छंदोबद्ध रचना। कविता एक छंदोबद्ध रचना है, छंदोबद्ध रचना है तो इसमें कौन से गुण पाया जाएगा? मनोरंजन के गुण पाए जाते हैं। छंदोबद्ध रचना बताते हैं, इसमें एक मनोरंजन का गुण है, किंतु कविता छंद रहित भी। अब छंदोबद्ध तो इसको बता दिया रचना है, लेकिन क्या हो सकती है? ये छंद रहित भी हो सकती है। अब आगे देखते हैं कि कविता की विशेषताएं। कविता की विशेषताओं में हमारा है सजीवता, अनुभूति की प्रबलता, संगीतात्मकता आदि अनेक प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, छंदोबद्धता, स्थायित्व, सरसता। तो इसकी विशेषता हम पहले देखते हैं सजीवता। सजीवता, दूसरी है छंदोबद्ध, स्थायित्व, सरसता, भावानुकूल भाषा, सरसता, भावानुकूल भाषा, भाव अनुभूति पक्ष, अनुभूति की प्रबलता, तो ये कुछ विशेषताएं निर्धारित की हमारी कविता शिक्षण की। उसमें हमारा सजीवता, कविता में किसका समावेश होना चाहिए? छंद और अलंकार है तो उनमें सजीवता का, छंदोबद्ध रचना। अब छंदोबद्ध रचना इसकी विशेषताओं में तो आ रही है, लेकिन ये क्या है कि कविता में कोई जरूरी नहीं सभी कविताएं छंदों में बंधी हुई है, कुछ क्या होती है छंद रहित भी होती है। स्थायित्व यानी जो एक वास्तविक हम जो कल्पना चित्र उकेर रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए? स्थायित्व, एक निश्चितता होनी चाहिए। सरसता, भाषा शैली का रूप क्या होना चाहिए? सरस। भावानुकूल, जो हम भावों के अनुकूल, जो एक पाठक पढ़ रहा है, एक श्रोता कर रहा है उसका अनुकूलन, तो भावों के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग होना चाहिए। जो अनुभूति की प्रबलता, जो हमारे हृदय में जो भाव विचार उठ रहे हैं तो उनमें क्या होना चाहिए? अनुभूति की प्रबलता। अब देखते हैं हम कि छंद और पढ़ाने की अवधि, छंद और पढ़ाने की अवधि। अब इसमें कविता में क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारी? कविता में किन किन चीजों का समावेश किया गया है? छंद और पढ़ाने की अवधि, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, रस, शब्द शक्ति और समानांतर शक्तियों का प्रयोग, शब्द शक्ति, समानांतर शक्तियों का प्रयोग। अब इसके बारे में देखते हैं कि छंद और जो छंदों की रचना है उसे हमें किस प्रकार एक पढ़ानी चाहिए, उसे किस प्रकार वर्णन करना चाहिए, कि छंद क्या है? काव्य में संगीत तत्व का परिचय देते हैं। छंदों में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जो हमारे इसके सात गुण निर्धारित किए गए हैं, यगण, मगण, सगण, यमाता, राजभानसल का जो हमारा सूत्र है उसके आधार पर इसमें छंदों में क्या आती है? संगीतात्मकता।
छंदों में एक संगीत में क्या होता है, रस का संचार होता है, तो इसमें क्या करते हैं, छंद का सौंदर्य कविता के संगीत को ललित बनाकर श्रोताओं के हृदय में आनंद की धारा बहाता है। अब जो हम कविता के माध्यम से श्रोता क्या कर रहे हैं, उसे एक रस के आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। अब देखते हैं अलंकार, तो छंद में हमारे आ जाएंगे जो दोहा है, रोला है, अनेक प्रकार के जो छंद है, हरि गीतिका है, तो अलंकारों में देखते हैं अलंकारों को पढ़ाने की विधि कैसी है। अब अलंकारों को अनेक विद्वानों ने क्या माना है, काव्य की आत्मा। तो अलंकारों का परिचय देते हुए हमें किस प्रकार इसका वर्णन करना चाहिए। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति को चार चांद लग जाते हैं, लेकिन अलंकारों का प्रयोग कहाँ तक किया जाता है, जहाँ तक वे भाव सौंदर्य कविता के क्या करें, भाव सौंदर्य को निखारे, तब भी क्या किया जाएगा हमें अलंकारों का प्रयोग। अलंकारों की शिक्षा भी कविता के साथ साथ विश्लेषणात्मक प्रणाली द्वारा दी जानी चाहिए। अब अलंकारों में ऐसे नियम ने जैसे किसी प्रकार का अलंकार किसी प्रकार काव्य में उठाकर रख दिया, अलंकार में जैसे हमारा कोई अलंकार है, जैसे कोई किसी बिना कारण के जो कार्य हो रहा है, जो कार्य होने पर भी कारण का कोई पता नहीं चल रहा है, तो उसमें ऐसे कारणों का समावेश किया जाना चाहिए। अगला है हमारा रस और उसकी शिक्षा। अब रसों की क्या है, रस को कवि अलंकारों को इनको क्या माना है, काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा। तो रस के में अनुभूति किस प्रकार होगी कि इसे अपनी आत्मा का, मनुष्य क्या करता है अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाता है, परंतु उसमें कविता के रस का ज्ञान कराना भी कम से कम आठवीं तक के बच्चों को तो क्या है, कठिन है। आठवीं के बच्चे ज़्यादा कविता से ज़्यादा किस में देंगे, संगीत में या कहानी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगला है हमारा शब्द शक्ति। कविता में शब्दों के अर्थ की अपेक्षा शब्दों के भाव और प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब शब्द शक्ति की शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए कि बच्चों को ऐसे नहीं कोई शब्द दे दिया तो उसे उसी तक सीमित रखना चाहिए, उनका अर्थ, उसका रूपांतरण, ये सभी क्या हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शब्दों का अर्थ क्या होना चाहिए, याद करना चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं, उनके भाषा बोलने में क्या होते हैं, निपुण हो जाते हैं। भाषा का जैसे शब्दों का अर्थ आएगा तो भाषा बोलने में और अपने भावों को अभिव्यक्त करने में उनमें क्या आएगी, स्पष्टता, उनकी भाषा शैली का विकास होगा। अगला है हमारा इसमें समानांतर पंक्तियों का प्रयोग। अब कविता जो शिक्षण है उसके सौंदर्य की अनुभूति के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पंक्तिबद्ध जो अनेक प्रकार की जो रचना है उनका क्या करना चाहिए, क्रमबद्ध रूप में उसका वर्णन करना चाहिए। तो इसके आगे इसमें कविता में जो विशेष पढ़ाई जा रही है, जो विशेष कविता पढ़ाई जा रही है उसका केंद्रीय भार क्या होता है, अधिक स्पष्ट होता है। तो एक ही विचार और भाव को विविध रूपों में देकर क्या होता है कि एक ही विचार है हमारा, एक ही भाव, जैसे कविता का एक जो पद्य दे दिया उसमें पद में क्या होता है कि उसमें एक ही व्यक्ति के एक ही बार की जो वास्तविक परिस्थिति है उसका वर्णन हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें हमें विविधता लाने के लिए अनेक प्रकार के उसे विस्तार से बढ़ाना पड़ता है या आगे उसके और बिंदुओं को, महत्व को ध्यान में रखना। तो कक्षा में काव्य में वातावरण बना रहता है, जब कविता चल रही हो तो उसमें क्या होता है, एक काव्य में वातावरण का संचार होता है। तो ये हो गया हमारा कविता शिक्षण। आगे पढ़ेंगे हमारे अगले अध्याय में जो एक हमारा जो पठन कौशल चल रहा है, इसके पठन कौशल के स्तर आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।